वेरिकोसिल के इलाज के बाद जिनको बच्चे नहीं हुए उनको बच्चे हो जाते हैं, जिनको दर्द है सालों से दर्द ठीक हो जाता है, टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाता है, वेन गायब हो जाती है, पेशेंट्स की जो टेस्टिस अप एंड डाउन हुए थे वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। पर ये सब तब होता है जब वेरिकोसिल की सर्जरी अच्छी की गई हो और वेरिकोसिल की सर्जरी के बाद मरीज़ ने ढंग से परहेज़ किया गया हो। तो आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसिल की जो सर्जरी होती है या वेरिकोसिल की जो माइक्रो सर्जरी मैं करता हूँ, तो वेरिकोसिल की माइक्रो सर्जरी को अच्छी तरीके से कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो एक सर्जन को ज़रूरी है फॉलो करना, या जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ ताकि मरीज़ को अच्छा रिजल्ट मिले, प्लस वेरिकोसिल की जो सर्जरी है या वेरिकोसिल की माइक्रो सर्जरी के बाद जो पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ आता है या बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है उसके लिए क्या क्या परहेज़ करना ज़रूरी है। आप सर्जरी कहीं से भी कराइए, वेरिकोसिल जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को समझने वाले डॉक्टर्स भी कम हैं और उसका एक ढंग से या ठीक से इलाज करने वाले डॉक्टर्स और भी कम हैं। तो वेरिकोसिल की माइक्रो सर्जरी के अंदर जो चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं वो आज हम बात करेंगे। और सेकेंड है कि जो सर्जरी के बाद जो चार इंपॉर्टेंट परहेज है जो आपने ठीक होने के लिए रखने हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ, और पुरुष रोगों के अंदर जो टेस्टिस के रोग है या पुरुष के टट्टों के जो बीमारियां हैं जिसके अंदर बच्चे ना होना, वेरिकोसील हो जाना, नसों की कमजोरी आ जाना, टेस्टिस छोटे हो जाना, स्पर्म ना मिलना, बच्चे ना होना, टेस्टोस्टेरोन की कमी आना, ये जो भी है इन सब का ट्रीटमेंट हम साइंटिफिकली या मॉडर्न मेडिसिन से बेस्ट जो वर्ल्ड में अवेलेबल है वो आप तक बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में लेके आते हैं। आज का टॉपिक है कि वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी हो तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो एक अच्छे सर्जन को फॉलो करने चाहिए, और अगर आपकी सर्जरी हुई है, अच्छी माइक्रो सर्जरी हुई है, तो आप क्या क्या परहेज रखें। कई बार डॉक्टर परहेज बताना भूल जाते हैं, कई बार डॉक्टर जो है परहेज पे इतना फोकस ही नहीं करते, पर मेरे मरीज वेरिकोसील के बाद भी 3 से 6 महीने अच्छे परहेज रखते हैं। हम उन परहेजों की बात करेंगे। तो माइक्रो सर्जरी बेसिकली मतलब होता है कि आपको जो लिंग है और जो है टेस्टिस जुड़ता है उधर एक बहुत छोटे चीरे से, बहुत छोटा चीरा मतलब सिर्फ एक टाके के चीरे से नस को निकालना है, और जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप मतलब जो एक दूरबीन है जिससे हम बहुत क्लोजली अंदर देख सकते हैं, उससे देख के हमें नसों को बांधना है। माइक्रोस्कोप का यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ जो नसें हैं जो ख़राब है सिर्फ उन नसों को टारगेट करें, जो नसें अच्छी है ठीक है उनको ना छेड़े। कई बार ज़्यादा एग्रेसिव बांधने से नसों में सूजन आ जाती है, हाइड्रोसील बन जाता है, तो प्रॉपरली करें। और जो नसें रिक्वायरमेंट है बॉडी को, जैसे आर्टरीज है, खून लेके आने वाली नस है, या जो स्पर्म की नस है, या जो लिम्फैटिक्स है, या जो नर्व्स है, उनको डैमेज ना किया जाए। तो माइक्रो सर्जरी में बहुत ज़रूरी है कि आपका माइक्रोस्कोप अच्छे लेवल का हो, आपके सर्जन को, जैसे मैं सर्जरी करता हूँ खुद, तो माइक्रोस्कोप के अंदर सर्जरी करने की हैबिट हो, रेगुलरली आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो माइक्रो सर्जरी का सबसे पहला स्टेप है अच्छा माइक्रोस्कोप, अच्छा एक्सपोजर, हम टेस्टिस को प्रॉपरली जो वेन्स है उसको एक्सपोज करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है माइक्रो सर्जरी का कि हमको किसी भी नस को काटना नहीं है। बहुत कॉमनली आप देखोगे कि वेरिकोसील में वेन्स को काट देते हैं या वेन्स को खींच के बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वेरिकोसील में हम नसों को लाइगेट करें, काटें ना। उसका एडवांटेज ये है कि लाइगेशन से धीरे धीरे जो नसें सूजी है वो वापस अपने फॉर्म पर आ जाती है, नसें ख़त्म नहीं होती, और कल को खुदा ना खास्ता अगर रिकरेंस हो भी जाए तो भी हमारे पास बांधने के लिए या काटने के लिए वेन्स बच जाती है। तो मैं जो हूँ वेन्स को लाइगेट करता हूँ, वेन्स को कट नहीं करता, और अब काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस है कि लाइगेशन जो है वो कटिंग से बेटर है। थर्ड है कि हमको जो टेस्टिस की आर्टरी है या टेस्टिस में जो ब्लड जा रही है, चाहे वो वास का आर्टरी हो, चाहे वो छोटी छोटी आर्टरी हो, हमें सारी आर्टरीज़ को बचाना है। आर्टरीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में पॉसिबल है कि हम आर्टरीज़ को प्रॉपरली बचा लें। अगर हम आर्टरीज़ को प्रॉपरली ना बचाएं या आर्टरीज़ हमारी ख़त्म हो जाए तो फिर ऑब्वियसली पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। तो टेस्टिस में आर्टरी बचाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप है टेस्टिस को बांधना या ऑक्यूडोपेक्सी करना। मैं वेरिकोसील में अपने हर मरीज में सर्जरी के बाद 2 टाके लेकर टेस्टिस को जो है ऊपर जो उसकी नसें है उससे बांध देता हूँ। उससे क्या है कि मरीज़ को सर्जरी के बाद टेस्टिस की लटकन ख़त्म हो जाती है। कई सर्जन जो है वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी के बाद लटकन ख़त्म नहीं करते। हम अपने पेशेंट्स में सर्जरी के बाद ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ की लटकन ख़त्म हो जाए। इसमें हम एक सीक्रेट या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको स्टील वायर बोलते हैं, जहाँ हम टेस्टिस में से एक वायर लेके
हम उसको ऊपर जो हमारे जो प्यूबिक बोन है या हड्डी है उसके पास सूचर लेते हैं। इससे टेस्टिस जो है अच्छी मतलब उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, और सर्जरी के बाद भी अगर आप लंगोट बांधना भूल जाए या लंगोट पहनना भूल जाए तो भी आपको लटकन महसूस नहीं होती। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है CDVL। CDVL मतलब कि नॉर्मली जो ये हमारे टेस्टिस का जो ये पूरा गुच्छा है, ये नसों का पूरा गुच्छा है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। ये लेयर बेसिकली फाशिया होती है, ये लेयर इसको दबोच के रखती है। इस कारण से कई बार मरीजों को एक टाइटनेस की फीलिंग आती है। तो हम इन इस जो लेयर है, इस लेयर को पूरा का पूरा खोल देते हैं, जिसको CDVL टेक्निक बोलते हैं। और CDVL टेक्निक यूज़ करने के बाद मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिवली पेन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो जो वेरिकोसील 4.0 टेक्निक है, या वेरिकोसील की जो 4 पॉइंट टेक्निक है, उसके अंदर ये चारों स्टेप्स, माइक्रो सर्जरी, वीनस लाइगेशन, आर्टरीज प्रिजर्वेशन, आपकी जो अकेडोपेक्सी है, और CDVL या डाटोस फेशिया रिलीज है, ये चारों स्टेप्स को जब हम अच्छे से मिलाते हैं तो पेशेंट्स को एक बहुत ही सक्सेसफुल पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट मिलता है। कई मरीजों को पेन सर्जरी के बाद ही ख़त्म हो जाता है, और इन लोगों में स्पर्म का रिटर्न बहुत रैपिडली आता है। एक चीज़ मैं जो मरीजों को बोलता हूँ कि जितना रैपिड आपका इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही रैपिड आपका रेकरेंस होने का चांस है। कई बार अगर हम वेरिकोसील की वेन्स को काट दें तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट फास्टर होता है, लाइगेशन में इम्प्रूवमेंट स्लोअर होता है, पर स्लो इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है, फास्ट इम्प्रूवमेंट शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट है। तो अगर आप 3 से 4 महीने परहेज करके इम्प्रूव होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, आपका जो एक लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है, वो मच बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू क्विक। तो ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल परमानेंट रिकवरी एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। अब आती है नेक्स्ट बात। देखो, सर्जरी कितनी भी अच्छी कर ले, सर्जरी मैं कर लूँ, दूसरा कर ले, सर्जरी जितनी भी अच्छी कर ले, पर सर्जरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज सर्जरी के बाद अपने प्रॉपर परहेज रखे। 30% काम सर्जरी है, 30% काम परहेज है। रेकरेंस, रेजोल्यूशन, रिजल्ट, स्पर्म इम्प्रूवमेंट, ये सब तब आता है जब मरीज सर्जरी के बाद अपना परहेज कैड़ा रखता है। तो हम ये अपने मरीजों को फोर्स करते हैं कि आप सर्जरी के बाद अपना परहेज रखिए, और परहेज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला, परहेज के अंदर आपको 3 महीने तक सेक्सुअल एब्स्टिनेंस है। आप 3 महीने तक सेक्स नहीं कर सकते, 3 महीने तक आपने वाइफ से नहीं मिलना है, मास्टरबेशन नहीं करनी है। नाइटफॉल होता है तो होने दीजिए, नाइटफॉल होते भी है, पेशेंट को वेरिकोसील के बाद अच्छे इरेक्शन, अच्छा नाइटफॉल आता है, पर आपको अपने पेनिस को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसको लगने वाले झटकों से कई बार हमारे धागे ढीले होते हैं। सेकेंड है, आपको भारी काम बिल्कुल बंद है। भारी काम बंद है मतलब आप चल फिर सकते हैं, पर आप रनिंग, जिम, भारी वजन, सूटकेस, कोई आपका जैसे कोई लेबर का काम है तो, या आर्मी का रनिंग है तो नहीं करते। हम आपको रेस्ट लिख के देते हैं, और आपको 3 महीने एक प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट मतलब ये नहीं कि बेड पे लेटना, रेस्ट मतलब कि आपको टेस्टिस पे भारी जोर नहीं डालना है। तीसरा है स्क्रोटल सपोर्ट, मतलब लंगोट। आपको सुबह या शाम हर समय लंगोट बांध के रखना है। सिर्फ नहाने के टाइम लंगोट खोलेंगे, और लंगोट खोलेंगे तो भी हाथ से सपोर्ट देंगे। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, टेस्टिस की आइस की मसाज करेंगे, रेगुलर शीर्षासन, शीर्षासन मतलब कि सर नीचे पैर ऊपर फॉलो करेंगे। नॉनवेज बंद है, मिठाई बंद है, दूध बंद है, डाइट के अंदर मिर्च मसाले बंद है, जो भी चीज़ से आपको कब्जी हो सकती है वो बंद है। अच्छी मात्रा में फ्रूट वेजिटेबल ले सकते हैं। खांसी या कब्ज दोनों अवॉइड करनी है। खांसी आए तो भी दवाई लेनी है, कब्ज रहे तो भी दवाई लेनी है। पेट का जोर नहीं बनाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, मोटरसाइकिल का इंजन होता है जो सीधा जांघों के बीच में होता है, मोटरसाइकिल वाइब्रेशन करता है, उससे दिक्कत रहती है। चलानी है तो स्कूटी चलाएंगे, स्कूटी के अंदर भी ढंग से बैठेंगे, टेस्टिस पे जोर ना पड़े, झटके नहीं लेंगे, और गर्म चीज़ों से जो टेस्टिस के पास है, लैपटॉप, फ़ोन, इनको अवॉइड करेंगे। ये सारे परहेज आपको वेरिकोसील की सर्जरी के बाद प्रॉपरली 3 महीने फॉलो करने हैं। कई मरीज 4-5 महीने फॉलो करते हैं, और उसके साथ में कुछ दवाइयाँ हैं जो हम मरीजों को देते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, दवाइयाँ, परहेज और एक बढ़िया की गई सर्जरी से ही मरीजों को वेरिकोसील के बाद एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने पीछे भी वेरिकोसील की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं आगे भी वेरिकोसील की सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगा। वेरिकोसील के मेरे हज़ारों मरीज़ हैं, आप क्लिनिक पे आएंगे तो आपको मरीज़ मिलेंगे जिनकी सर्जरी मैंने की है, जो ठीक है, ग्रेड 4 ग्रेड 5 वेरिकोसील भी ठीक हुआ है, स्पर्म्स भी आए हैं, बच्चे भी हुए हैं पेशेंट्स को। पर ये जो वीडियो है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सर्जरी कराइए। 90% पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे बिना सर्जरी ठीक होते हैं। आज भी अगर मेरे क्लिनिक पर 1,000 वेरिकोसील के मरीज़ आते हैं तो 900 मरीज़ों में मैं सर्जरी नहीं करता। वो सिर्फ मेरे बताए गए प्रिकॉशंस, बताए गए परहेज, बताई गई दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% पेशेंट्स हैं जिनमें हम प्रॉपरली सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है।
वेरिकोसील की अल्ट्रासाउंड की ग्रेडिंग, वेरिकोसील के इलाज, वेरिकोसील के परहेज, वेरिकोसील की दवाइयाँ, वेरिकोसील के डायग्नोसिस पे मेरे कई 100 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो समझ में आया हो तो थैंक यू, वीडियो में दिए गए प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो कीजिए, टेक केयर एंड सब हेल्दी रहिए।